प्रदेश में 108 नंबर पर अब सभी तरह की एम्बुलेंस सेवा मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में इसे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वहीं हेल्थ केयर पॉलिसी के तहत मेडिकल कॉलेज खोलने पर सरकार 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में 9 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का कहना है कि उनके क्रिकेट करियर में इंदौर का अहम योगदान रहा है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में गांगुली ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज में कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में युवा ब्रिगेड का प्रदर्शन सराहनीय है। दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रायल के लिए दौड़ी टेलगो ट्रेन रतलाम डिवीजन से गुजरी। इस दौरान ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 125 किलोमीटर रही। कहीं कहीं 3 डिग्री कर्व होने के चलते ट्रेन की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रही। अपराध के मामले में ग्वालियर शहर अब चंबल से भी आगे निकल गया है। पिछले 6 महीने में अपराध के आंकड़ों पर गौर करें तो हत्या, लूट, रेप और चोरी के मामले चंबल से ज्यादा ग्वालियर रेंज में हुए हैं। चंबल में जहां रेप के 150 मामले दर्ज हुए, वहीं ग्वालियर में रेप के 203 मामले दर्ज हुए हैं। सावन के बादलों ने एक बार फिर से राजधानी को सराबोर कर दिया है। मौसम विभाग ने भोपाल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कलेक्टर ने सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके और गहराने की संभावना है।